नमो राघवाय, नमो राघवाय, यह दिशा रानी की दूसरी कथा है। ये जो जैसे कि 10 कथाएं सुनी जाती हैं, तो यह दूसरी कथा है जिसे आप श्रवण करें। वो एक कथा थी जो 2 वीडियो में सुनाई। एक राजा ने, उनकी 2 रानियां थीं। जेठी रानी में कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उनके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डा और ईर्ष्या होती थी। वह सोती है डा के कारण राजकुमार के प्राणों की ख्याति हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के चौक में चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा रानी का व्रत करती थी। वह लड़का दशा रानी की दिशा का हुआ था। अस्तुतः दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप को सकर कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की विमाता ने उसे विष के लड्डू खाने के दिए। लड्डू लेकर जो ही खाने लगा, त्यों ही दशा रानी ने किसी के भेष में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। विष देने पर भी लड़का न मरा था। रानी बड़ी चिंतित हुई कि किसी ने किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआ उनके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ पता भी न चला कि राजकुमार कहाँ गया या क्या हुआ। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा रानी का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा रानी के उस व्रत में ही रोग लिया। आज जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी ने बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। जहां तहां लोग उनकी तलाश करने लगे। इधर दशा रानी को इस व्रत की चिंता हुई कि राजकुमार की माता पिता उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनको उसके पास पहुँचाना चाहिए, परंतु पहुँचावे तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा रानी ने भिखारिन के भेष में कुंवर को गले से लगाते हुए राजद्वार पर जा पहुंची। राजकुमार के एक वस्त्र में छिपाए हुए भिखारिन ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और सभी लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, और ऐसे में तुम भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। दशा रानी बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देरी के भीतर पैर रखने लगी कि सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा रानी ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर के भीतर छोड़ आने दो। इधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़ कर बिठा लेंगे। दशा रानी कुंवर को भीतर लेकर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वो वहाँ से वापस होकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया। उनसे हटकर कहा कि खड़ी रहूँ, तू कौन है? तूने 3 दिन में मेरे लड़के को छिपा कर रखा था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा रानी उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है, उसी पुत्र के घात करने की चिंता में रहती है। उसको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दे। एक बार कुंवर के गले में सर्प डाल दिया था, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने बिस्के लड्डू उसे खाने को दिए थे, उसको मैंने हाथ से छीना। अब की उसने कुएं में डाल दिया था, सो एक बार भी मैंने उसकी रक्षा की। इस समय भिखारिन बनकर तुझको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में रहिए, मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूँगी। तब दशा रानी ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया, इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनियों को नौता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तराजा में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गड्ढा लिया कर व्रत किया करें। यह कहकर दशा रानी अंतर ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। ओटन से लेकर सिरो मण संगा तक उनकी यथाविधि सुपुंसता करके गहरे आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया।
शहर राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशहरानी का गड्ढा लिया करें। बोलो दशहरानी मैया की जय। यह हमारी दूसरी कथा समाप्त हुई। बोलो दशहरानी मैया की जय। नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय जय श्री सीता।